सो इस वीडियो में बात करने वाले अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इस मैस्कआउट लोगो प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग PSCC या लाइटरूम ऐप। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आपको करना है कि सिंपली अपना एक स्क्वायर साइज का ब्लैंक पेज लेना है, इस साइज का लेना है। एंड देन फिर आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट है मतलब फॉन्ट, उसका नेम एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है मेरे पैक में, तो डाउनलोड कर लेना जाके। ये आपका फॉन्ट है तो डाउनलोड कर लो। एंड देन इमटेरियल आपको फिल स्टॉक देना है ब्लैक कलर का, इस कलर का आप फिल स्टॉक दे दोगे। एंड देन अब टेक्स्ट के सिलेक्शन से करने आपको ट्रांसफॉर्म करके, जो पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेना उसको -2 इतना कर लिया। यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके बेवल इफेक्ट दोगे 0, ब्लर एंगल्स का 5%, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 2 रख लेना बस 2। बस ऐसा आपका ये फॉन्ट हो जाएगा। देन क्या करना है आपको, यहाँ से जो किटी लिखा है उसको आपको लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके क्लियर कर लेना है। इसमें आपको फिल स्टॉक देना है ऑरेंज कलर का किटी में, तो हमने फिल स्टॉक देते हैं ऑरेंज कलर का, नहीं इस टाइप में आपको फिल स्टॉक देना है। एंड देन अब इन दोनों को आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए करना है आपको सिंपली अपना ये वाला टूल लेना है, पॉलीगन सिलेक्शन टूल। एंड इसमें आपको किटी के चारों ओर एक ब्लैक कलर का इस टाइप में स्ट्रोक बना लेना है इस टाइप में। एंड देन इसमें फिल स्टॉक देना है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का फिल स्टॉक दे दोगे। एंड इसको सेव रीसेलेक्ट करोगे। एंड देन अब इन दोनों को ही मर्ज कर लेना। एंड आपको अपनी शील्ड इंपोर्ट करनी है, शील्ड आपके पैक में प्रोवाइडेड है, ये वाली शील्ड है, तो इसको जाके इंपोर्ट कर लेना, थोड़ा छोटा कर लेंगे। एंड यहाँ पे ऐसे किटी को थोड़ा नीचे ले आएंगे, मिस्टर किटी को यहाँ पे ऐसे। देन क्या करना है आपको, अपना मैस्कआउट इंपोर्ट करना है। देखते हैं, आप अपना मैस्कआउट ले सकते हो जो आपको ले रहे हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे अपना ये मैस्कआउट ले लिया ऐसे में। एंड दिस टाइप ऑफ, तो बस इन दोनों को आप मर्ज कर लोगे। जो पहले क्या करना है, आपको अपने पैक में एक और चीज़ मिलेगी, देखते हैं पैक। हाँ तो ये आपके पैक में आपको मिलेगा, आपको ये लगाना है इसमें सिंपली, नीचे की तरफ में आपको ये लगाने हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं। एंड देन आपको जिसमें फालतू ये थोड़ा मोटा सा लग रहा है नीचे से, ये उस पर ट्रांसफॉर्म टैक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा इतना। एंड देन हल्का सा फिर कल में लग देंगे बस, तो थोड़ा सही है। अब क्या करना है आपको, जो ये मोटा सा आ रहा है नीचे में, नीचे से देखते हैं, पहले इसको मैच कर लेते हैं, बस सबको मैच कर लिया। देन क्या करना है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, पॉलीगन सिलेक्शन टूल ले रहे हैं। एंड यहाँ से आपको ये क्लियर करना है अपना, जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसको आपको क्लियर कर लेना है। एंड ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड से भी क्लियर कर लेना है। थोड़ा ऐसे। एंड देन फिर यहाँ पे आके क्लियर कर लोगे, और उसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट करने हैं, जब इसको ट्रांसफॉर्मर थोड़ा नीचे लिया हो ऐसे। एंड अब सेलेक्ट करना पूरे के, एंड एम्प्टी लेयर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा करना, फिर स्टॉक देना वाइट कलर का इतना। एंड अब इसके कॉर्नर्स आप शार्प कर लेना, तो मैं सारे कॉर्नर शार्प कर लेता हूँ। सो आपको करना कैसे है, यहाँ से पॉलीगन सिलेक्शन टूल से आपको इस टाइप में ऐसे, एंड इसको फिट करके वाइट कलर का फिर स्टॉक। एंड फिर यहाँ से शार्प कर लेना ऐसे, एंड थोड़ा पीछे करके यहाँ पे भी फिर स्टॉक। एंड जो ये थोड़ा ज़्यादा आ गया इसको क्लियर कर लेना ऐसे। एंड ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको करना है यहाँ से जो इस तरफ से है, इसको भी आपको ऐसे कर लेना है ऐसे इतना। एंड इसमें फिल स्टॉक वाइट कलर का, और अब ऊपर से यहाँ पे भी कर लोगे ऐसी। देन जो आपका ये ऊपर यहाँ पे भी कर लेते हैं हम फिल स्टॉक, इसी को लेके इस टाइप में फिल स्टॉक। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही फिल स्टॉक कर लेंगे बस। एंड इसके जो ईयर्स हैं इसमें कर लेते हैं ऐसी, तो यहाँ पे फिल स्टॉक हो गया। एंड इसी को इस तरफ में ले आके
यहाँ पे कर लेंगे नहीं, थोड़ा नीचे ऐसे, एंड यहाँ पे फिल स्टॉक वाइट कलर का, तो आपका ये ऐसा सो हो जाएगा। सही लग रहा है। अब इन दोनों को आप मर्ज कर लोगे, मर्ज। एंड अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा छोटा करना है मैस्कॉट लोगों को, अपने लोगों को, नहीं ऐसे नहीं, ट्रांसफॉर्म इसको हटाते हैं एंड ऐसे छोटे कर लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको सेव करना है, डुप्लीकेट करना है इसको, यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लोगे, नहीं अब करते हैं क्रॉस हो गया होती है सॉरी, तो ऐसे कर लोगे सेव। और इसकी एंड पे जाके फिर स्टॉप दे दोगे अपने बैकग्राउंड में, और जो लोगों की लेयर है आपको उसमें जाना है, एंड यहाँ से फेड वाले ऑप्शन पे जाके सर्कल वाला फेड होता है वो आपको वो दे देना है थोड़ा बड़ा करके बस। एंड देन आपको अपना लाइट रूम ओपन करना है। लाइट रूम में क्या करना है वो बताता हूँ आपको। आपको आपके इसमें प्रीसेट्स पे जाने के बाद कर्व वाले पे फ्लैट वाला प्रीसेट देना है, एंड फिर आपको अपने कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे कर्व के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड रेड वाला जो आपका कलर दिख रहा है आपको वो थोड़ा हल्का सा ही कर लेना है, तो ये आपका इस टाइप का बन जाएगा। एंड देन अगर आपको अपने लिए बैनर बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर लो, एंड अगर आपको इस टाइप के लोगों को बनाने हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाओ एंड चेकआउट।